की डेथ की वजह, जगह और तारीख भी बता दो। आई नो एवरीथिंग। तो हाथ देखकर फ्यूचर बताने के साथ साथ टोन सुनकर पास भी बता देते हो क्या? माय नेम इज विक्रमादित्य। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस साउथ की जबरदस्त और हिट फिल्म की बात करने वाले हैं, उसका नाम है राधेश्याम। ये एक जबरदस्त किस्म की फिल्म है। ये फिल्म पास्ट की टेक प्लेस करती है। इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को प्रभास देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फिल्म में आदित्य का रोल अदा किया है, और इनके साथ इस फिल्म में आप लोगों को पूजा हेगड़े देखने को मिलेंगी, जिन्होंने फिल्म में प्रेरणा का रोल अदा किया है। इस फिल्म की अगर दोस्तों कहानी की बात की जाए, तो फिल्म को आज से काफ़ी साल पहले 19वीं सेंचुरी का बनाया होता है, जिसमें आदित्य यानी हीरो इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, और इनके गुरु इनके किसी शख्स के बारे में बताते हैं, या जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो कभी गलत नहीं होती। और फिल्म में आदित्य के गुरु के रोल में आप लोगों को सत्यराज देखने को मिलेंगे। उनका मानना होता है या खुद इंसान का पास्ट होता है और कुछ ना कुछ फ्यूचर होता है, वो तकरीबन जो हम बताते हैं उसका 99% दुरुस्त होता है, और कुछ लोग अपने मुकद्दर से लड़कर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और बाकी के जो 1% होते हैं, यानी कि वो 1% लोग वो होते हैं जो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। लेकिन आदित्य के मुताबिक जिनका भी फ्यूचर वो बताते हैं वो आज तक बिल्कुल सही हुआ है, और मुकद्दर बदला नहीं जा सकता, जो लिखा होता है वही होता है। लेकिन इनके गुरु ऐसा नहीं मानते थे। फिल्म में ट्विस्ट दोस्तों तब आता है जब हिरन यानी पूजा है की एंट्री होती है। उन्हें पहले ऐसा लगता है कि शायद आदित्य किसी के फ्यूचर नहीं बता सकते, और ख़ुद को वो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन फिर जब उसे प्रेरणा को उनकी बात पर यकीन हो जाता है कि वो वाकई फ्यूचर बता सकता है, तो प्रेरणा उससे उसका फ्यूचर पूछती है और उसकी ज़िंदगी का पूछती है, तो आदित्य उसको बताता है कि वो एक हॉस्पिटल 40 साल की उम्र में खोल लेंगी, क्योंकि प्रेरणा एक डॉक्टर होती है, और ये भी बताता है कि वो बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगी और इसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तभी वहाँ पर प्रेरणा भी होश जाती है, और फिर आदित्य को प्रेरणा का अंकल बताता है कि इसको कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज पर, और इसका कोई इलाज नहीं है, और ना ही इसका कोई डोनर मिल रहा है। और आदित्य फिर उसको बताता है कि उसको कुछ नहीं हो सकता, उसकी उम्र बहुत लंबी है। इस पर प्रेरणा का अंकल उस पर गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि ऐसा झूठ बोलकर कोई उम्मीद ना दो, इसके पास सिर्फ कुछ मंथ का ही टाइम है, और उसे अस्पताल से निकाल देते हैं। फिल्म में एक सीन होता है दोस्तों, जिसमें बताया जाता है कि दोनों में से कोई एक जिंदा रह सकता है, क्योंकि दोनों की लाइफ लाइन में क्रॉस होता है, तो आदित्य खुद को समुंदर के डुबा कर मार देना चाहता है ताकि प्रेरणा जी सके। लेकिन ये बात प्रेरणा को पता चल जाती है और वो अपने एक्सीडेंट करवा देती है। तो दूसरी तरफ आदित्य भी एक शिप के समुंदर में फंसा होता है, और समुंदर की शिप में वो शिप डूब रहा होता है। फिल्म का एंड दोस्तों क्या होगा, इसका एंड देखने के लिए आपको फिल्म को ज़रूर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर इस ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए, तो इस फिल्म को राधा कृष्णा कुमार ने डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट AA फिल्म्स की तरफ से किया गया है। और इस फिल्म की अगर म्यूज़िक की बात कर ली जाए, तो इस म्यूज़िक को जस्टिन मिठोन अमाल की तरफ से कंपोज किया गया है, और इस फिल्म को प्रोड्यूस्ड इंडिया के जाने माने प्रोड्यूसर प्रमोद और बुशरा कुमार ने किया है, और इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।